नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील आप सभी का फार्मिंग विजन चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो में जो आप ट्रैक्टर मॉडल देख रहे हो वो है जॉन डियर 5041C। ये ट्रैक्टर इधर हमारे एरिया की बात कर रहे हैं तो फतेहाबाद एरिया में मेरे हिसाब से नहीं निकले थे ये ट्रैक्टर, और हरियाणा में भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में निकला और किन किसान भाइयों के पास है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसमें क्या है कि मतलब इंडियन मार्केट के हिसाब से कुछ डिज़ाइन किए थे ये ट्रैक्टर, जैसे इंडियन ट्रैक्टर कंपनियां बनाती है, लेकिन ये कुछ खास कामयाब नहीं रहे। लोगों ने नहीं पसंद किए इसको ज़्यादा, जॉन डियर के हिसाब से देखें तो। इसमें आपको लोहे या मेटल कहें तो मेटल बॉडी मिलती है आपको, फाइबर बॉडी नहीं है इसमें, पूरी मेटल बॉडी। और गेयर बॉक्स का सेटअप और जो प्लेटफॉर्म का सेटअप है वो भी मतलब इंडियन मार्केट के हिसाब से ही कुछ लॉन्च किया गया था। ये सी प्लेटफॉर्म ट्रैक्टर है जिसमें, और मैं तो जो गेयर बॉक्स है उसमें चेंज है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें इंडियन ट्रैक्टर आ रहे हैं उसी हिसाब से है। 1 से 4 मेन फॉरवर्ड गियर भी उसी में, रिवर्स उसी में, दूसरी साइड जो गियर है उसमें हाई और लो सीधा 2, तो 8 आगे के और 2 पीछे के गियर हैं इसमें, जैसे इंडियन ट्रैक्टर में मिलते हैं अपने को। 5041C 40 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर और 35.9 इसकी PTU HP है भाइयों। इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी मेरे को कि ये मडगार्ड कुछ इस तरह के डिज़ाइन किए गए हैं, तो ये मतलब जहाँ पडलिंग वगैरह में चलता है या खारा जब पानी है जहाँ, तो वहाँ मडगार्ड तो नहीं गलेंगे इसके कम से कम। बाकी चीज़ें जॉन डियर की है ही बढ़िया सारी, तो ये मार्केट में कुछ ज़्यादा पकड़ नहीं बना पाए ट्रैक्टर। इसमें 5036C भी आता है और 5041C और मॉडल भी आते होंगे, और जो जो भाई रख रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी कुछ अलग है, हटके एक्सल से अलग है। अभी जो आ रहा है वो एक्सल के अंदर ब्रेक दिखेंगे आपको, क्राउन बीम पिनियन के साथ ही। और इसमें जो फ्यूल टैंक है वो भी आगे की तरफ है, डैशबोर्ड के पास इंजन के बिल्कुल जस्ट बाद में। और फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं 2 बड़े, और ग्रिप जो फ्रंट ग्रिल है वो भी कुछ अलग ही है इसका, प्लेटफॉर्म और चढ़ने में सारा कुछ देखोगे तो कुछ अलग ही दिखाई देगा। ये यहाँ डिस्क्रिप्शन प्लेट है वो भी आप पॉज करके देख सकते हो, इसकी SFC PTU HP जो भी है सारी डिटेल आपको इस पर मिल जाए।